टाइम, कितना टाइम है आपके पास? जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि टाइम बचा ही नहीं है। लेट हो रहे हैं, बिहाइंड द टाइम चल रहे हैं। हम सबकी एक टेंडेंसी है, हम अक्सर सोचते हैं हमारे पास बहुत टाइम है, कर लेंगे। लेकिन रियलिटी यही है कि हमारे पास टाइम है ही नहीं। इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। टाइम नहीं है रिश्तों को जोड़ने का, टाइम नहीं है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, टाइम नहीं है माफी मांगने का, टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का, टाइम नहीं है कुछ चाहा है उसे पाने का, टाइम नहीं है एक स्टार्टअप शुरू करने का, टाइम नहीं है दोस्तों से मिलने का। हम हमेशा सोचते रहते हैं ये कर लेंगे, कल कर लेंगे। हमें हमेशा लगता है हमारे पास दूसरे मौके आएंगे, लेकिन रियलिटी यही है हम लेट हो रहे हैं। हम एक्सक्यूजेस देते हैं, आज अच्छा दिन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, आज रेस्ट कर लेते हैं कल अच्छा करेंगे। हम इंतजार करते हैं अच्छे टाइम के आने का, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस टाइम को ही अगर अच्छा बना ले तो? दुनिया में लगभग हर दूसरा इंसान कल पर डिपेंडेंट रहता है, हर बात कल पर छोड़ देता है। नए जॉब के लिए अप्लाई करना है लेकिन आज नहीं करेंगे, स्टूडेंट को पढ़ना है लेकिन एग्जाम तक नहीं पढ़ेंगे, किसी से कुछ कहना है लेकिन आज नहीं कहेंगे। जरा सोच कर देखिए, क्या हमेशा वो कल आ पाया है? वही काम आप अगर आज कर लेते तो शायद वो आपकी आज की दुनिया बदल चुका होता। एक पॉइंट पर आकर डिसीजन लेना होता है लाइफ में, चाहे खुद का इतिहास लिखने का डिसीजन हो, डिसीजन हो किसी काम को अंजाम देने का, डिसीजन हो अपनी अगली चाल चलने का। लाइफ में ज्यादातर लोग अपनी अगली चाल नहीं चल पाते, वो सोचते रह जाते हैं कि उनके पास बहुत टाइम है और टाइम हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। घड़ी का कांटा चल रहा है, कब बंद हो जाएगा पता नहीं, जो करना है अभी करना है। हमारा टाइम यही है अगला कदम बढ़ाने के लिए, जो करना है इस मोमेंट में करना है। तो अगली बार जब सवाल आए टाइम कहाँ है, तो खुद से कहिए टाइम यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।